खबर आ रही है सूरत से। सूरत के कपड़ा बाजार में 3 बजे के बाद दुकान खुली रखने वालों से पुलिस दंड वसूल कर रही है। इस पर कई व्यापारियों ने विरोध किया है। सोमवार को साउथ गुजरात टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल सलावतपुरा पीआई की कार्य से मिलकर मार्केट विस्तार में चेकिंग का समय 3 बजे के बजाय 4 बजे करने के लिए पत्र सौंपा। पत्र में जिक्र किया गया कि सूरत के सभी टेक्सटाइल मार्केट प्रशासन के आदेश अनुसार दिन में 3 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन जब व्यापारी बंधु अपनी अपनी दुकानें बंद कर अपने सहयोगी कर्मचारी स्टाफ आदि के साथ एक ही समय पर निकलते हैं तो लिफ्ट में वेटिंग, साइकिल, बाइक, कार आदि की लाइन में कारण के मेन गेट तक पहुंचने में छोटे बड़े मार्केट जिनमें दुकानों की संख्या 1000 से 3500 तक है, इसके हिसाब से करीब आधे से 1 घंटे का अतिरिक्त समय लग ही जाता है। अतः उपरोक्त वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए टेक्सटाइल मार्केट विस्तार में चेकिंग का समय दिन में 3 बजे से बदलकर 4 बजे करने की कृपा करें। एसजीटीटीए के अध्यक्ष सावर प्रसाद बूंदिया एवं महामंत्री सुनील कुमार जैन ने बताया कि पीआई किंकारी साहब ने उक्त विषय पर सकारात्मकता जताते हुए कमिश्नर सी से चर्चा कर आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने एसजीटीटीए के कोषाध्यक्ष सुरेंद्र जैन के अलावा हंसराज जैन, दिनेश कटारिया, मोहन अरोरा, महेश जैन, अर्जुन नारंग, संतोष माखरिया और अशोक मुंडेल भी शामिल रहे।